एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल से कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो ये देखिए बन गई हमारी सब्जी, और ये सब्जी वर्ल्ड की बेस्ट सब्जी होती है क्योंकि ये होती है मिक्स वेज। और यहाँ बन रही है हमारी चाय, एंड आटा वाटा लग गया है, सब कुछ हो गया है आप देख सकते हैं, और सब्जी भी हमारी डन है। तो खाने की पूरी प्रिपरेशन है, जल्दी से आ जाओ, बस आप लोग खा के चले जाओ। मतलब अगर रुकना भी चाहते हो तो रुक सकते हो। सो बस बन गया हमारा खाना किचन में, अब हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं इधर उधर का। यहाँ पे आप सोचोगे मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने प्लांट्स जो मैं रखती हूँ उनको क्लीन करके, उनका जार वगैरह क्लीन करके, उनको उनका पानी चेंज कर रही हूँ, उनका जार को थोड़ा सा साफ कर दे रही हूँ। तो जैसे जैसे टाइम मिल जाता चीज़ों को मैं कर लेती हूँ। गैस देखो कैसी चमचमा रही है, बस आगे से थोड़ी सी धूल धूल क्या वो उड़ते हैं यार, छोटी छोटी चीज़ें उड़ जाती हैं, लग जाती हैं। ग्लास है, ग्लास पर तो बहुत जल्दी लग जाती है। और बस वही मैं बॉटल्स इसकी क्लीन कर रही थी, और थोड़ा सा मैं ग्लास क्लीन किया था जिसमें मैं अपना प्लांट्स लगा के रखती हूँ। तो कर देती हूँ जैसे लगे हाथ, मेरे को मौका मिल जाता है वैसे वैसे साफ कर देती हूँ, बस हो जाए थोड़ा बहुत। बॉटल्स को क्लीन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं ट्राई करती हूँ, मे बी हो जाए। क्योंकि कांच का रहता है ना, तो उसमें पानी में जब आपका आयरन ज़्यादा हो ना, तो थोड़ा सा लग जाता है कि हो जाता है कि उसमें थोड़ा सा है ना। तो चलो फटाफट से इसको क्लीन कर लेते हैं। इसको तो कोई फर्क नहीं है। थैंक यू। अब कौन खोले, कौन खोलेगा? ये जस्ट अभी नहाए हैं, 12:30 बज रहे हैं, दोनों नहा धो के फ्री है। सारे काम से फ्री हो गए, नहाना धोना एवरीथिंग हो गया, बस खाना खिलाना बाकी है, खाना बनाना है, खिलाना है। गंदे मत करना हाथ पैर, खोल दो, बोले प्लीज खोल दो। नहीं।
सो गाइज यहाँ पे मैं बना रही थी ये नमकीन, मतलब आप बनाते हो मठरी बोलते हैं, कोई कटकटी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, बहुत सारी जगहों में सब में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती बोली जाती है ये। तो यहाँ पे मैं कुछ ये ट्विस्ट करके बना रही थी, इसका शॉर्ट्स मैं आप लोग के साथ पूरा शेयर कर दूंगी। बट वैसे तो आप सबको पता ही है किस तरीके से ये रेसिपी बनाई जाती है, मतलब नमकीन अपना मैदा में लगा लो, घू के आप बना लो, इसको इजीली बन जाता है। तो यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ इसको, ये नई तरीके से बना रही थी, मैंने कहा ट्राई करते हैं बच्चों को अच्छे लगते हैं कि नहीं, और बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे ये, खाने में भी और मतलब बनने में भी बहुत अच्छे हैं, देखने में तो बड़े क्यूट से हैं, सच में लिटरली बहुत क्यूट है बनने दिखने में तो ये। तो मैंने फटाफट से बनाए और टैनी बिल्कुल मेरे पास खड़े होके ना सारी चीज़ें एक एक चीज़ नोट करती है, मम्मा क्या कर रही है कैसे कर रही है। इस चीज़ को हम गुड हैबिट भी बोल सकते हैं और बैड हैबिट भी बोल सकते हैं, मतलब देखिए अगर बच्चा हमारी हर एक चीज़ नोट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छी चीज़ों में कर रहा है ठीक है, पर हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बच्चे लायक नहीं है तो ये गलत भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे को हर चीज़ नोट करनी है। हम बड़ों से बात कर रहे हैं या हम आपस में कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं तो बच्चा सुनता है, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। अब मेरे को तो नहीं समझ आता ये चीज़ सही है गलत है, मेरे लिए तो दोनों है, 50-50 है। तो यहाँ पर बन गई, मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनाई है, ये बड़ी बनाई है, छोटी भी बनाई है और वो वाली भी बनाई है, मतलब जो आपको दिखाई थी। तो मेरे को तो ऐसे मज़ा आया इस दिन बना के, बस हाथ मेरे लाल हो गए थे, थक गई थी मैं इसको करके, क्योंकि बहुत बेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसमें वो है, मतलब दम लगता है, हाथों से प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो हाथ पूरे ना एकदम से रेड हो गए थे मेरे। ये डायमंड शेप में बना दी और एक छोटी छोटी जो बनती हैं अपनी कट्स होके वो बना दी, और उसके अलावा मैंने ये देखिए मिक्स बना दी। तो बस टैनी को ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद है तो उसके लिए मैंने ज़्यादा किया। तो अपनी चाय और मठरी यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बना दी हूँ और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा दी कैसी बनी है। मेरे को तो बहुत मतलब दिखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, किसी को अगर सर्व करो तो बड़ी अच्छी लगेगी देखने में। तो आज मेरा चाय का टाइम ना काफ़ी लेट हो गया था इस दिन पी के, मतलब पीने में, क्योंकि ये सब में टाइम लग गया था तो मेरे को सर में दर्द भी होने लग गया। ये डायमंड शेप वाली थोड़ी सी ना फूल गई थी, पूरी जैसे मैं आ गई थी। एग्जाम है, मैं अभी काम से फ्री होके बैठी हूँ, मैंने बोला इसको लिया रजिस्टर मैं पढ़ा दूँ तेरे को थोड़ा बहुत, तो सुन नहीं रही है, वो चीज़ नहीं सुनाई दे रही है इसको। 5 बज गया आज मैं लेट चाय पी रही हूँ, मेरे सर में दर्द होने लग गया। चाय मेरे टाइम पे ना मिले ना मेरे को तो मेरा सर ना फटने लग जाता है, ये दर्द करने लग जाता है। तब चाय पीऊँगी, इसको पढ़ाऊँगी, फिर बर्तन बर्तन धोऊंगी, यही करना है आज। मॉर्निंग माय लवली पीपल, तो टुडे सेकंड डे और ब्लॉग जाएगा कल, आप देख रहे हो ब्लॉग को ट्यूसडे को और आज है मंडे। मैं रेडी हो गई हूँ, नहा धो के किचन में फिर से आ गई हूँ, जो एज यूजुअल हमारा रेगुलर वर्क होता है, जो हमारी ड्यूटी होती है, किचन में घुसो, खाना बनाओ, खाना खिलाओ और सो जाओ, बस। आज मैंने ये अपना एज यूजुअल सा सो कॉल्ड सा ड्रेस पहना हुआ है और अब मैं सोच रही हूँ दाल चढ़ा दी है, आटा लगा देती हूँ, फिर चाय बना के चाय पियेंगे, चाय। और ठंड हमारे यहाँ से जा चुकी है, बट ये जाती हुई ठंड है, ये बीमारी देखे जाती है, तो जो लोग बच्चों को एक दिन छोड़ छोड़ के नहला रहे थे तो ये मत करना कि भाई ठंड जा रही है तो आप रेगुलर नहलाने लग जाओ, अभी मत करना, क्योंकि ठंड बैक मारती है और बहुत बुरा मारती है और बहुत बीमार कर देती है। तो बहुत बुरा मारती है, तो प्लीज टेक केयर, ओके, सारे लोग ध्यान रखना इस चीज का। ओए और चलो हम खाना बना लेते हैं।
चढ़े हो इस पे? क्यों चढ़े हो इस पे? चलो जय श्री नारायण करो, पहले जय श्री नारायण करो तब उतारूंगी। जय श्री नारायण करो, हाथ जोड़ो, सॉरी बोलो, ओपन योर माउथ, नोज़ी किधर है, टच योर नोज, आईज ब्लिंक करो, क्लैपिंग करो, हनी कितना बड़ा, हेयर किधर है, हेयर टच योर हेयर, टच योर हेयर, टच योर हेयर, हेयर टच करो, दिस इज योर हेयर, टच योर हेयर, अभी हेयर समझ नहीं आता उसे, टच योर हेयर, दिस इज योर हेयर, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, चढ़ोगे ऊपर, ये कान में उंगली देके सॉरी बोल रहा है। अच्छा एक बार आईज ब्लिंक कर दे, आईज ब्लिंक कर दे, अच्छा ऐसे पाउट बना दे, ऐसे ऐसे पाउट बना दे, पाउट बना दे, टंग दिखा, शो मी योर टंग, सब जानता है लेकिन मैं पढ़ाऊंगी तब नहीं पढ़ेगा। हम यहाँ बनने रख दिया मैंने घी अपना, सब्जी बना दी है, आटा लग गया, सब कुछ हो गया है और शाम का टाइम 5:30 बज रहे हैं। आज मैं किचन में लगी हुई थी लगातार, ये अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही है हमारी टैनी कल के लिए, दिल बना रही है, देखो ये एग्ज़ाम में आएगा इसके, इसको ये नहीं दिख रहा है कि एग्ज़ाम में टीचर क्वेश्चन तक नहीं बता रही है और हम कर लें, समझ लें। इनकी टीचर्स का कहना है कि आप उसको बच्चे को रीडिंग करना सिखाओ घर में, हम बच्चे को सारी चीज़ें सिखा दें घर में, सब कुछ, क्वेश्चन पढ़ना, रीडिंग करना, उसको आंसर एंड एवरीथिंग हम करा दें। स्कूल में हम पैसे सिर्फ बच्चों को एक तरीके से 3-4 घंटे के लिए केयर टेक करें, वो लोग बस ध्यान रखने के लिए भेजते हैं और थोड़े से चैप्टर को बोर्ड पर करवा देते हैं बस, बाकी का लर्न एंड एवरीथिंग हम करेंगे, हम कराएंगे बच्चे को, ये हो जाएगा सब हम कराएंगे। तो इनको बोला है KG 2 के बच्चों को कि क्वेश्चन खुद से पढ़ो, खुद पढ़ेंगे बच्चे हमारे क्वेश्चन, जल्दी करो। मम्मा मम्मा नहीं सुन रही है, नहीं हनी चढ़ गया था स्टूल पर रिमोट लेने के लिए, मैंने कहा आज इसे पकड़ती हूँ, ऐसे करता नहीं, ऐसे करवाते करवाते रह जाती हूँ मैं, ये कर दे ये कर दे ये कर दे, ये बिल्कुल नहीं करने के, मतलब चढ़ता ही नहीं है, पल्ले ही नहीं पड़ता, और आज इसको मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा कर चल करके दिखा करके दिखा, करने लग गया, पकड़ गया। सो बस कुछ टाइम की और है ये, कुछ दिन की और टीचर का ये प्रॉब्लम है, कुछ दिन बाद फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा ये प्रॉब्लम भी, कुछ दिन और झेलना है बस, 6 तारीख तक बस, और उसके बाद फ्री है, और उसके बाद जो टीचर नेक्स्ट सेशन से न्यू टीचर्स मिल जाएंगे दूसरी। अब उससे पूछ, अरे टैनी अपना कर लो, बच्चे ना एक बार में सुनते ही नहीं कभी आपके, मैं फ्री माइंड से बैठूंगी थोड़ा सा और इसको पढ़ाऊंगी और सारा काम निपटा दिया। सो चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मे बी आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोग जो सजेशन देते हैं मैं उसको फॉलो भी करती हूँ, मानती भी हूँ, और आप लोग ऐसे मत लिखा कीजिए कि प्लीज़ ट्विंकल डोंट माइंड, मैं कोई चीज़ माइंड नहीं करती, जो चीज़ है वो है। जैसे कि आपने लिखा था, आपने बताया था किसी ने मेरे को कि गाल ना खींचा करें, वो मेरी रेगुलर व्यूअर हैं तो उन्होंने बोला था, तो मैंने मान लिया मैं नहीं खींचूंगी, तो मेरे लिए तो अच्छी चीज़, आप मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो तो मैं क्यों नहीं मानूंगी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, है ना। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।